हाँ जी। तो दोस्तों तो कैसे हो सबके सब। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक छोटा सा पियानो, एकदम सस्ता सा पियानो जिसे पढ़े लिखे लोग मेलोडी का भी बोलते हैं। तो ये रहा हमारे सामने अमेजोन से आया हुआ एक ब्लू कलर का बढ़िया सा 32 कीज का छोटी सी मेलोडी का। ओके, तो ये इसका इस तरीके से इसका ओरियो है। तो इसका जो बैग है वो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, जिसको आप कहीं से भी बढ़िया तरीके से कैरी करके ले जा सकते हो। और फिर जो मेलोडी का खुलती है बहुत बढ़िया तरीके से। एक्चुअली इसमें दो मॉडल आते हैं, एक तो 32 कीज की और एक 37 कीज की। जो मेरे पास है वो है 32 बटनों की सुंदर सी ब्लू कलर की मेलोडी का। तो ये रही आपके सामने कुछ इस तरीके से। तो ये मतलब इसकी जिनको बता दूँ, अगर पता हो तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि एक बढ़िया सी पियानो ही टाइप की मेलोडी का होती है, लेकिन बस इसमें जो प्ले करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हारमोनियम में किस तरह एयर के थ्रू मतलब हारमोनियम प्ले होता है, उसी तरह इसमें भी एक यहाँ पे एक इसके साथ छोटा सा पाइप मिलता है, तो उसके साथ आप इसको अपने माउथ से इसको एयर ब्लो करके आराम से बढ़िया तरीके से प्ले कर सकते हो। इसका मेन एडवांटेज ये है कि आप इसको मतलब कहीं पर सफ़र पर लेके जा सकते हो, या फिर बाद में मेरे जैसे लोग जिनका बजट भी कम है और फिर बाद में उनको शौक भी है इस टाइप की चीज़ों की, तो मतलब इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें इंस्ट्रूमेंटल धुने आसानी से इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर निकाल सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसकी और भी आपको और भी कोई डिटेल यार इसको तो फेंक दे दो, नहीं दो निकल जाता हूँ। हाँ, तो इसकी अगर आपको और कोई भी डिटेल चाहिए तो फिर बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं हम बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की और आप इसको लगाए कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे एक ऐसा एक वाइट कलर का आपको पट्टा जैसा दिखेगा, वहाँ पे आप अपने से हाथ रख सकते हो बढ़िया तरीके से, उसके बाद में इस तरीके से कि हाथ पर। और इसका जो वजन है वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी हल्का है और कैरी करने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसको सिंपल सी बात है, आपको जो पाइप दिख रहा है इस पाइप को यहाँ पे आप इस तरह अटैच कर सकते हो, फिर बाद में इसको माउथ के थ्रू इसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो किस तरह है। मैं खुद इसको मैंने पर्सनली एक दो दिन यूज़ किया, मेरे को खुद को बेटर लगा, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप भी इसको आसानी से बाई कर सकते हो। ठीक है, और जिनका बजट इस टाइप का है और जिनको इस टाइप की शौक चीज़ों का शौक है तो आसानी से आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो इसको देखते हैं प्ले करके। तो इसको आपको इस तरह माउथ में रखना है, फिर बाद में अपने हिसाब से जिस हिसाब से आपको धुनें निकालनी है उस हिसाब से आपको हवा को ब्लो करना है। ठीक है, हवा फेंकनी है। क्लियर। तो इसमें कुछ धुनें कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। इसकी जो मेरे हिसाब से जो क्वालिटी है वो काफ़ी ही बढ़िया है, मतलब इसकी जो धुन है इसकी जो मेलोडी है वो सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और मतलब इसमें यही बात है, वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसको मतलब आसानी से बजा सकते हो और सुन सकते हो, और जितनी आप तेज़ हवा दोगे उस हिसाब से मतलब ये और तेज़ में बढ़ेगा और तेज़ में बजेगा, सिंपल सी बात है। तो मेरे हिसाब से तो ये खिलौने टाइप को इसको मत समझना कि ये कोई खिलौना है, ये एक्चुअली सीरियसली इंस्ट्रूमेंट है। आप गूगल कर सकते हो, काफ़ी सारे कवर्स बनते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और काफ़ी सारे धुने भी इसमें आसानी से निकाली जा सकती है ओरिजिनल रूप में। ठीक है, तो आपको और कोई ज़्यादा डिटेल चाहिए या फिर बाय करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू जा सकते हो। हाँ, तो बस यही था हमारा इंस्ट्रूमेंट छोटा सा, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इसके मतलब जो भी आपको ओवरव्यू मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, और इतना ही चीज़ बोल सकता हूँ कि मतलब अगर आप इसको एक चीज़ हो सकती है जो लोग गाते हैं तो उनके लिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत ऐसा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उनका जो माउथ है वो ऐसा ब्लॉक हो जाता है, इसलिए फिर बाद में उसके साथ ही गा नहीं सकते। लेकिन अगर जिनको इंस्ट्रूमेंट धुने का शौक है या फिर बाद में और भी इस टाइप की मतलब वो खाली सुन के अपना जो दिन है बढ़िया बनाना चाहते हैं या फिर बाद में मनोरंजन के हिसाब से आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हो। ठीक है, और जो मेन इसका बैक कवर है और इसके साथ एक छोटा सा और आती है फूकनी जैसी, इसको भी मतलब इस पाइप की जगह आप यहाँ पे लगा के आसानी से प्ले कर सकते हो। और आप इसको खरीद के फिर और ज़्यादा देखना डिटेल। तो और इसमें जो मेन बैग है वो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा कैरी करने के हिसाब से। एक तो ये मजबूत भी है और फिर बाद में इसमें फिट बैठता है और अपने हाथ में भी एकदम बढ़िया फिटिंग। और मेन तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो म्यूज़िकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर बाद में उनको शौक है। ठीक है, तो अपने कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा आपका जो भी ओवरव्यू है, जो भी आपका जो भी ओवरव्यू है आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। तो बस मिलता हूँ आपसे इस तरीके की एक और नई इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल तो नहीं अनबॉक्सिंग रिव्यू ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।